लो आ गई बॉबी देओल के फैंस के लिए एक और खुशखबरी। आई नो कि आप थंबनेल देख के ही आए हैं। थलापति विजय वर्सेस बॉबी देओल, आखिर ये सब क्या हुआ सब बताऊंगा। इससे पहले आप बॉबी देओल के फैन हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को पता ही होगा कि थलापति विजय की लास्ट फिल्म थलापति 69 का अनाउंसमेंट हो गया है, तो उससे ही रिलेटेड ये खबर है। जी हाँ, खबर मिल रही है कि इस मूवी में हमें मैन विलन के तौर पर बॉबी देओल देखने को मिलने वाले हैं। बॉबी देओल और थलापति विजय दो हाथ करते हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मैन विलन के तौर पर मेकर्स ने बॉबी देओल को फाइनल कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो इस मूवी को बनाने वाले हैं केवीएन प्रोडक्शन, तो इन्होंने बॉबी देओल को फाइनल कर लिया है मैन विलन के तौर पर थलापति विजय के अगेंस्ट। और इससे रिलेटेड और खबरें मिल रही है कि इस मूवी में हमें भारी भरकम एक्शन देखने को मिलने वाला है, और इस मूवी में हमें थलापति विजय बॉबी देओल के अलावा मैन हीरोइन के लीड रोल में पूंजा हेगड़े देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं बॉबी देओल के बारे में। जी हाँ, एनिमल के बाद बॉबी देओल का रुतबा ही अलग हो गया है, और साउथ के डायरेक्टर इवन हिंदी के डायरेक्टर बॉबी देओल की फर्स्ट चॉइस विलन में लेना चाह रहे हैं। रिसेंटली बॉबी देओल की कंगुआ मूवी आने वाली थी जो कि सूर्या के साथ थी, लेकिन वो मूवी 10 अक्टूबर को आने वाली थी लेकिन पोस्टपोन होके आगे चली गई है। इनके अलावा भी बॉबी देओल के साथ साउथ की NBK 09, अल्फा, एनिमल पार्क जैसी कई सारी मूवीज शामिल है। तो भाई साहब, बॉबी देओल के फैंस के लिए एक और खुशखबरी आ गई है, और थलापति विजय के साथ फेस ऑफ देखने के लिए मजा आ जाएगा, क्योंकि एक तगड़ा विलन और तगड़ा एक्टर दोनों का फेस ऑफ देखने में हमेशा ही मजा आता है। बताया जा रहा है कि थलापति विजय की ए लास्ट फिल्म होने के कारण इस मूवी का बजट बहुत ही ज्यादा रखा गया है, और इस मूवी में हमें बहुत ही ज्यादा एक्शन और बहुत ही ज्यादा VFX का यूज देखने को मिलेगा। और थलापति विजय इसके बाद राजनीति में जाने वाले हैं, और इनकी ये लास्ट मूवी होने के कारण इस मूवी को बहुत ही बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है। तो बॉबी देओल इस मूवी के साथ अगर जुड़ते हैं तो उनको भी विलन में काफी ज्यादा स्केल मिलेगा, और एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बॉबी देओल के लिए। तो आपको क्या लगता है, बॉबी देओल इस मूवी के साथ थलापति विजय के साथ जस्टिस कर पाएंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बॉबी देओल के फैंस है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों।